बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजा यानी चिराग और पशुपति के बीच चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है। चिराग पासवान लगातार लोजपा पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस ने चिराग को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, जिसके बाद चिराग ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। अब इसी बीच चिराग ने एक बार फिर चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। तो अब क्या कहना है चिराग पासवान का, देखिए ये रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी को लेकर पासवान परिवार में ही लड़ाई छिड़ी हुई है, जिससे पार्टी दो हिस्सों में बंटती दिख रही है और परिवार के अंदर छिड़ी कलह अब सड़क पर आ गई है। हालांकि पिता की पुण्यतिथि पर चिराग ने निमंत्रण पत्र में चाचा पशुपति का नाम भी छपवाया था और उन्हें खुद जाकर न्योता भी दिया था। तब ऐसा माना जा रहा था कि चाचा भतीजा के बीच मनमुटाव खत्म हो सकता है, लेकिन ये सारी उम्मीदें अब गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। क्योंकि कुछ दिन शांत बैठने के बाद अब चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला उन्हें सौंपा जाए, क्योंकि पार्टी संविधान के अनुसार वो ही एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये दावा तब किया है जब आने वाली 30 अक्टूबर को बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब चिराग गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने कहा, हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पारस समूह के दावे को खारिज करने के लिए कहा है, जो एक ही प्रतीक का दावा कर रहा है। पारस समूह का दावा एलजेपी के आंतरिक संविधान के अनुसार अवैध था। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीखों से पहले अपना रुख स्पष्ट करे। यानी साफ है कि चाचा भतीजा के बीच अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन पार्टी ने खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ एक ही सीट जीती और जीतने वाला उम्मीदवार भी जल्द ही सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया, जिसके लिए चिराग पासवान को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया था। और इसी घटनाक्रम के बाद उनके और चाचा पशुपति पारस के बीच दरार पैदा हो गई, जिसके बाद चाचा पशुपति ने पार्टी को बांट दिया और खुद को लोजपा अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। तब से चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस के साथ संघर्ष में लगे हुए हैं और इसलिए पोल पैनल की मांग कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।